नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार मेरे YouTube चैनल साहसी सफ़र विद सचिन में। आज हम जा रहे हैं मुकुट मणिपुर, जो कि वेस्ट बंगाल के बांकुरा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। अभी जहां हम खड़े हैं वो पटमदा के आसपास है। मुकुट मणिपुर जो कि वेस्ट बंगाल के बांकुरा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, वो कम से कम यहाँ से 60 से 70 किलोमीटर है। वेलकम बैक। सो अभी हम रुके हैं बंदवान डिस्ट्रिक्ट वेस्ट बंगाल में ब्रेकफास्ट करने के लिए। सुबह तो कुछ घर से खा के निकले नहीं थे, रास्ते में बारिश भी होने लगी, थोड़ा लेट चल रहे हैं समय से अपने। खैर कोई नहीं, रोड सही है, अच्छा रोड है, तो हम टाइम से जो भी है उसमें पहुंचने की कोशिश करेंगे अच्छे से। तो अभी हम खा रहे हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं ये है डोसा। बंगाल में वैसे डोसा इडली तो उतना कम उतना ज़्यादा चलन में है नहीं, फिर भी हमें कहीं एक जगह मिल गया। ये एक्चुअली झारखंड का बॉर्डर में ही पड़ता है, तो थोड़ा तो यहाँ पे हमें डोसा मिल गया रास्ते में, वरना ऐसा प्लान था कि पूड़ी या सब्ज़ी कुछ भी खा लेंगे। तो अभी फ़िलहाल डोसा का हम आनंद उठा रहे हैं, तो फिर आगे मिलते हैं आपको। फ़िलहाल खा लेते हैं, ज़्यादा भूख भी लगा हुआ है थोड़ा। वेलकम बैक। ब्रेकफास्ट हो गया है और अभी हम जिस जगह पे खड़े हैं वो है झिली मिली। यहाँ से करीब 1 घंटे का ड्राइव है और फिर उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द, मतलब 1 घंटे के अंदर हम पहुँच जाएंगे जहाँ हम जाना चाह रहे हैं। यहाँ हमारा रुकने का मकसद ये था कि रोड, एक तो रोड आप देख रहे हो ये बहुत ही सॉलिड रोड है, बट और इसके अगल बगल जो आप दोनों तरफ पेड़ देख रहे हो, ये देखिए हमें काफ़ी अच्छा लगा। तो मैंने सोचा कि चलो ये वीडियो में भी कवर किया जाए और थोड़ा सा टाइम निकाल के, ज़्यादा टाइम हम नहीं लेंगे यहाँ पे, लेट हो रहा है वैसे भी, थोड़ा एक दो फ़ोटो क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ से निकलेंगे। तो बस यही था कि मुझे लगा कि ये आपको ज़रूर दिखाना चाहिए। रोड तो काफ़ी सुंदर है, बाइक चलाने का मज़ा ही अलग है यहाँ पर। बाकी चलते हैं आगे, और जो भी इसके अलावा और कोई भी चीज़ें रास्ते में हमें मिलेगी, मुझे मिलेगी, तो मैं ज़रूर इसमें आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। चलो अभी चलते हैं, बाइक खड़ी है, अभी चलते हैं। वेलकम बैक दोस्तों। सो फाइनली हम अपने डेस्टिनेशन मुक्ता मणिपुर में पहुंच चुके हैं। सुबह हम 7:30 बजे निकले थे और अभी के बज रहे हैं सुबह के 11:30। थोड़ा लेट हो गया है क्योंकि बीच में बारिश भी शुरू हो गई थी और हम थोड़ा रुक के भी आए हैं। काफ़ी बीच में भी हमें देखने लायक जगह मिला तो वहाँ पे हम रुक गए थे। तो आगे वो जब मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो उसमें आपको मैं ज़रूर दिखाऊँगा कि कहाँ कहाँ हम रुके हैं। सो फाइनली जो यहाँ पे हम पहुँचे हैं, ये मेन जो डैम है वो है, ये 10 किलोमीटर का टोटल स्ट्रेच है इस डैम का, तो काफ़ी बड़ा डैम है ये एक्चुअली में। 3 सूखा पीड़ित डिस्ट्रिक्ट है वेस्ट बंगाल में, पुरुलिया, बांकुरा और मिदनापुर। तो इन समर के समय में इरिगेशन को सपोर्ट करने के लिए इन तीनों डिस्ट्रिक्ट में इस डैम का निर्माण किया गया था 1950s में। सो अभी हम इस डैम की खूबसूरती को निहारेंगे बैठ के। थोड़ा सा अब जैसे कि मैंने बताया 10 किलोमीटर का स्ट्रेच है, तो काफ़ी कुछ है घूमने को और देखने को। फ़िलहाल तो अभी हमने प्लान किया है कि बोटिंग भी होती है यहाँ पर, तो वो बोटिंग का मज़ा लेंगे और आपको भी दिखाएंगे कि कितना मज़ा आता है जब हम डैम के बीचों बीच में होंगे। तो फिलहाल अभी हम जाते हैं, देखते हैं और क्या क्या है देखने के लिए, थोड़ा फ़ोटो वोटो लेंगे। काफ़ी सुंदर नज़ारा है, बारिश हो रहा है इसलिए पीछे आपको पूरा बादल दिख रहा होगा, क्लियर व्यू नहीं आ रहा होगा, बट ये पूरा जो स्ट्रेच देख रहे हो वो पूरा डैम एकदम एंड तक, जहाँ तक आप देखो वो पूरा सारा पानी ही पानी है। तो ये काफ़ी सुंदर है यहाँ से, मतलब हम जब यहाँ पे है तो यहाँ से देख के तो काफ़ी सुंदर नज़ारा है। कोशिश करूँगा कि जितना क्लियर व्यू आपको दिखा सकूँ इस डैम का, मैं ज़रूर दिखाऊँगा। अभी हम चलते हैं बोटिंग के लिए, तो मिलते हैं बोट के ऊपर बीचों बीच डैम के। तो यार बंगाल के मुकुट मणिपुर में हमारे साथ खेला हो गया। हम यहाँ पे बोटिंग करने के लिए आए हुए हैं, बट पता चला कि अभी हम फ़िलहाल जो बोट ये दे रहे हैं वो हमें पूरा का पूरा रिज़र्व करना पड़ेगा, यानी एक पूरा बोट हमें हायर करना पड़ेगा जो कि 1200 से 1500 रुपये लग जाएंगे। तो अभी तो फ़िलहाल हम इतना बजट लेके चले नहीं हैं कि, और इसके अलावा हमें टाइम भी जो है ये कह रहे हैं कि 2 से 2.5 घंटा लगेगा, जो कि अभी हमें हमारा शेड्यूल एकदम टाइट है तो ये परमिट कर नहीं रहा कि हम 2 से 2.5 घंटे यहाँ पर दें। तो और देखते हैं, वैसे कह रहे हैं कि सवारी में जाने के लिए कम से कम 20 लोग चाहिए,
देखते हैं, थोड़ा सा वेट करेंगे 5 मिनट, अगर 20 लोग हो जाते हैं तो हम करेंगे बोटिंग, वरना फिर आगे देखते हैं और क्या भी है। बहुत कुछ है अभी कवर करने के लिए, अभी तो जब बस यहाँ स्टार्टिंग ही हुआ है, लेट्स सी क्या होता है, अभी तो वेट करते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि शहर में बोटिंग करने के लिए हमें 20 लोगों की ज़रूरत है, बट 20 तो नहीं, हमें 12 लोगों का जुगाड़ कर पाए। बता दूँ कि पर पर्सन हम 150 रुपये दे रहे हैं और टोटल हम कवर करेंगे 14 किलोमीटर, 7 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड 7 किलोमीटर अपस्ट्रीम, और इस बीच में हम कहीं आइलैंड में भी उतरेंगे जहाँ पे डियर पार्क वगैरह और मंदिरें हैं, वो भी देखने की कोशिश करेंगे। तो फिलहाल आप नज़ारे का लुत्फ उठाइए, पूरा व्यू देखिए, यहाँ से कितना सुहाना, कितना खूबसूरत व्यू है यहाँ पे, और हल्का सी हवा आ रही है, ठंड का मौसम है, अब करीब दिन के अभी 1 बज रहे हैं, राइट, तो 1 से 2 से 2.5 घंटे यहाँ पे लगने वाले हैं, देखते हैं और क्या क्या कवर कर पाते हैं। फिलहाल तो बहुत ही अद्भुत नज़ारा है और तो यार हम फाइनली किनारे पे पहुंच चुके हैं, और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एक छोटा सा टापू जैसा है आइलैंड की तरह, तो यहाँ पे डियर पार्क है, हम डियर पार्क जाने वाले हैं। तो यहाँ पे हम एक अभी जो जिस पे बैठे हैं उसे कहते हैं इंजन रिक्शा, काइंड ऑफ ई रिक्शा की तरह है, यहाँ पे हम लोग 30 रुपये का एक टिकट मिला है, और अभी हम बैठ के वहाँ पे डियर पार्क देखने जा रहे हैं, डियर पार्क सैर करने जा रहे हैं, काइंड ऑफ इंडियन फील वाला जंगल सफारी है ये, तो बड़ा बहुत ही मज़ा आ रहा है। सो डियर पार्क से होकर अभी हम एक फूलों के बगीचे में आए हैं, कह सकते हैं कि एक काइंड ऑफ गार्डन है, तो उसके अंदर अभी हम जाने वाले हैं। डियर पार्क में 2-4 हिरन हमें देखने को मिला, वो पार्ट मैंने अभी कवर इसलिए नहीं किया क्योंकि ऑलरेडी वो मैंने दलमा वाले वीडियो में आपको दिखा रखा है। सो अभी चलते हैं अंदर, देखते हैं क्या हमें अंदर देखने को मिलता है। ये है गार्डन का एंट्री गेट, 10 रुपये का टिकट लेना पड़ा हमें पर पर्सन। सो जैसे ही हम पार्क के अंदर एंटर हुए तो देखिए अब हमें क्या देखने को मिला, ये है टर्की, तो बहुत सारे जूस में आपने देखा होगा, बट उन्हें क्या है पिंजरों में बंद करके रखा जाता है, यहाँ पे ये खुले में घूम रहे हैं, डिस्टर्ब नहीं करते हुए आपको दूर से मैं दिखा रहा हूँ, बाकी आगे देखते हैं और क्या है। सो डियर पार्क और टर्की को देखने के बाद अब हम बोट से एक और छोर पे आए हैं, हमें बताया गया है कि यहाँ पे एक शिव मंदिर है, तो अभी हम फिलहाल वहाँ जा रहे हैं देखने के लिए। सो मिलते हैं वहाँ पे, आपको दिखाता हूँ शिव मंदिर कैसा है देखने में, चलिए। ये है मंदिर की सीढ़ियाँ, अभी चलते हैं ऊपर और देखते हैं मंदिर कैसा है देखने में, चलिए आपको मैं ले चलता हूँ फटाफट। सीढ़ियों का डिज़ाइन स्ट्रक्चर ऐसा है कि ऊंचाई पे होने के बावजूद भी लोग उतना थकान महसूस नहीं करेंगे, तो काफ़ी पता नहीं चल रहा है कि हम इतने ऊपर भी आ गए हैं। तो कुछ ये नज़ारा है ऊपर से जो दिखता है, चलिए ये है शिव मंदिर। सो ये रहा मंदिर,
शिवलिंग है, नंदी जी भी है यहाँ पे। स्ट्रक्चर जिस तरह से है उसे तो देख के लग रहा है काफ़ी एक प्राचीन वाला फील आ रहा है, ये काफ़ी प्राचीन मंदिर है ये। चलिए अभी आपके आप दिखाता हूँ। हम यहाँ से आ रहे हैं, तो यहाँ से अब हमारा जो बोटिंग का सफ़र था वो पूरा हो गया है। अब हम वापस जा रहे हैं अपस्ट्रीम। टाइम तो हमारे पास अब ज़्यादा बचा नहीं है, 2:30 बज गया है। देखते हैं रास्ते में अगर कुछ और पता करते हैं, रास्ते में कुछ मिल गया दिखाने लायक तो वो ज़रूर मैं आपको कवर करूँगा। लेट्स सी क्या मिलता है। चलो अभी आप यहाँ से जो पॉज करते हैं, कुछ खाएँगे, भूख भी लगा है। चलो सो बोटिंग का सफ़र अब हमारा पूरा हुआ है। तो जैसे मैंने बताया कि अभी अब भूख लगी है तो लंच करने हम बैठे हैं, तो लंच कर रहे हैं। ये भाई लोग भी हमारे साथ ही बोट में थे, काफ़ी मज़ा किया हम लोगों ने। मज़ा करने के बाद तो भूख लगता है भाई। तो अभी हम खाना खा रहे हैं, वेज ही खा रहे हैं अभी भाई। अंडा वंडा खाएंगे, मछली टानेंगे और क्या। चलो खाते हैं। फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। और बाकी अभी घर की तरफ जा रहे हैं, शाम के 4 बज गए हैं, बारिश हो रही है।